Hey guys, I'm back with another lecture of transfer pricing. I'm going to start with question number 3. इसमें क्या है कि कंपनी है जिसके दो डिवीजन है, डिवीजन ए डिवीजन बी. प्रोडक्ट जी जो है डिवीजन ए बनाता है, जिसका वो एक्सटर्नल मार्केट में भी सेल करता है और साथ के साथ डिवीजन बी को भी ट्रांसफर करता है. चलिए, डिवीजन ए की जो कैपेसिटी गिवन है दैट इज़ 1 लाख यूनिट्स, ठीक है. एक्सटर्नल डिमांडेड 70,000 यूनिट्स की. सेलिंग प्राइस है जो वो बाहर बेचता है 2,500 पर यूनिट. वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, फिक्स्ड ओवरहेड गिवन है. वर्किंग कैपिटल 12 लाख एट द रेट ऑफ 11.5% पर एनम. तो यहाँ से हम इंटरेस्ट कंप्यूट कर लेंगे. और प्रॉफिट टारगेट कितना है, 250 लाख पर एनम. गाइस एक चीज़ समझ लेते हैं कि यहाँ पे क्योंकि ट्रांसफ़र करना है डिवीजन ए को डिवीजन बी में 40,000 यूनिट्स, और उसकी कैपेसिटी 1 लाख यूनिट्स की है. तो दैट मीन्स कि 60,000 ही वो मार्केट में सेल करेगा, राइट. तो 60,000 सेल्स मार्केट में करके रियलाइज करेगा सेल्स वैल्यू, और 40,000 यूनिट्स वो यहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहा होगा. एंड गाइस यहाँ पे डिवीजन ए के पास अगर देखा जाए तो स्पेयर कैपेसिटी कितनी है, 30,000 यूनिट्स की उसके पास स्पेयर कैपेसिटी है. क्योंकि 1 लाख और 70,000 की डिमांड है, इतनी कैपेसिटी है. तो फिर 30,000 जो डिफरेंस है दैट इज़ द स्पेयर कैपेसिटी, ठीक है. और यहाँ पे वो 60,000 क्योंकि अब एक्सटर्नल मार्केट में सेल कर पाएगा सिंस इट इज़ ट्रांसफरिंग 40,000 यूनिट्स. तो 10,000 पे डिवीजन ए विल लूज इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन, जो कि डिवीजन बी से वो ट्रांसफर प्राइस में चार्ज करेगा, राइट. तो गाइज स्टार्ट टारगेट प्रॉफिट कितना है, 250 लाख. फिक्स कॉस्ट ऐड कर लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल, ठीक है, वो भी निकाल लिया हम लोगों ने. कितना आ रहा था, वर्किंग कैपिटल है 12 करोड़ पे 11.5% पर एनम का इंटरेस्ट. ये गाइस थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, 12 करोड़ गिवन है, ठीक है. इतने का लोन लिया गया है वर्किंग कैपिटल के लिए जिस पे इंटरेस्ट जा रहा है 11.5%. तो नाउ हमारे पास कितना जाएगा टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन, 788 लाख. अब वेरिएबल कॉस्ट भी ऐड कर देंगे डिवीजन ए की, तो टोटल सेल्स रेवेन्यू आ जाएगा हमारे पास. अब इस टोटल रेवेन्यू में से गाइज एक्सटर्नल सेल करके डिवीजन ए 60,000 यूनिट्स की इंटू 2,500 इतना तो रियलाइज कर लेगा. अब जो बचेगा वो उसे ट्रांसफर करने से डिवीजन बी से वो चार्ज करेगा एज अ ट्रांसफर प्राइस, जो कि हो जाएगा 888 लाख डिवाइडेड बाई 40,000 यूनिट्स. तो 2220 विल बी द टीपी पर यूनिट. नाउ गाइज इसी क्वेश्चन में जो सेकेंड पार्ट पूछा गया है दैट इज कैलकुलेट टू प्राइजेज. डिवीजन ए वुड हैव टू कोट ऑन डिवीजन बी. इट बिकेम मैरियन लिमिटेड पॉलिसी टू कोट ट्रांसफर प्राइसिंग बेस्ड ऑन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. तो गाइज यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बेसिस पे कह रहे हैं दो प्राइजेस कोट करनी है डिवीजन ए. तो पहला क्या हो जाएगा, हमने जैसे बात की थी कि स्पेयर कैपेसिटी कितनी है 30,000 यूनिट्स, तो उसके लिए जैसे वीसी चार्ज करेगा डिवीजन ए दैट इज 1600 पर यूनिट. और जो रिमेनिंग 10,000 यूनिट्स जिसमें वो वीसी प्लस कॉन्ट्रीब्यूशन चार्ज करेगा तो उसमें कितना हो जाएगा 2500 पर यूनिट. तो दीज आर द टू प्राइजेस. क्वेश्चन नंबर 4, कंपनी है जिसके पास दो डिवीजन है, आईटी डिवीजन टेक्सटाइल डिवीजन. आईटी डिवीजन जो है वो कंसिस्ट करती है 3 टीम्स पर डे, मतलब अपने प्रोजेक्ट पे 3 टीम्स पर डे लगाती है, ठीक है. टेक्सटाइल डिवीजन के पास एक प्रपोजल आया है, ठीक है, एक प्रोजेक्ट है जिसमें कि उसे 2 टीम चाहिए आईटी डिवीजन की, राइट, फॉर 5 डेज इन अ वीक. और पीरियड क्या है, 48 वीक्स का. तो यानी कि अगर हम टीम डेज निकालें तो कितना हो जाएगा टोटल टीम डेज, तो 48 वीक्स में कितने हो जाएंगे 5 डेज, तो 48 × 5 और 2 टीम चाहिए तो × 2 दैट मीन्स 480 हो जाएंगे, ठीक है. चलिए आइए, इन द क्वेश्चन इट इज गिवन कि कंसल्टेंट्स इन द आई टी डिवीजन ऑलवेज वर्क इन अ टीम ऑफ 3 प्रोफेशनल्स, और वो बाहर से 4500 फॉर ईच कंसल्टिंग डे चार्ज करते हैं, ठीक है. और टेक्सटाइल डिवीजन जो है जिसको कि 2 टीम चाहिए फॉर 5 डेज फॉर अ पीरियड ऑफ 48 वीक्स, तो उसमें क्या हुआ है कि आई टी डिवीजन ने प्रपोज किया है टू चार्ज 4500 पर कंसल्टिंग डे, ठीक है, क्योंकि वो बाहर से जितना चार्ज कर रहे हैं बाहर के क्लाइंट से उतना ही वो कह रहे हैं दूसरे डिवीजन को भी हम चार्ज करेंगे. लेकिन यहाँ पे ये देखा गया कि आईटी डिवीजन विल बी एबल टू रिड्यूस द वेरिएबल कॉस्ट बाय 200 रुपीज पर कंसल्टिंग डे. तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसकी जो वेरिएबल कॉस्ट है उसमें से 200 लेस कर देंगे जब हम ट्रांसफर प्राइस निकाल रहे होंगे, राइट. फर्दर गाइस दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी. यहाँ पे आप रिक्वायरमेंट पढ़िए तो यहाँ पे आपको सिर्फ इतना बताना है, एक्सप्लेन द इम्प्लीकेशन इन सेट ट्रांसफर प्राइसिंग प्राइजेस पर कंसल्टिंग डे. तो यहाँ पे बेसिकली ट्रांसफर प्राइजेस ही निकालना है आपको. पहला क्या है, ईच टीम ऑफ आई टी डिवीजन इज फुल्ली एंगेज. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई स्पेयर कैपेसिटी ही नहीं है क्योंकि ये फुल्ली एंगेज है. दूसरे में क्या हो रहा है कि आई टी डिवीजन विल बी एबल टू स्पेयर ओनली 1 टीम, तो इनके पास 1 टीम की स्पेयर कैपेसिटी है. और तीसरे में क्या हो रहा है, न्यू एक्सटर्नल क्लाइंट है वो आया है जिसने कि इतनी फीस ऑफर की है इनको,
चलिए देखते हैं। सबसे पहले गाइस, तो 4500 जो ये एक्सटर्नल कस्टमर से चार्ज करते हैं उसका ब्रेकअप देखते हैं कि कॉस्ट प्लस 150% ऑफ प्रॉफिट मार्कअप, दैट इज गिवन इज इन क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है कि 4500 डिवाइड बाई 250 करना है। 250 क्यों? क्योंकि ये जो प्रॉफिट मार्कअप है दैट इज ऑन कॉस्ट। तो अगर 100 की कॉस्ट है प्लस 150 होगी तो टोटल 250, तो ये फीस आ गई। तो 4500 डिवाइड बाई 250 इंटू 100 विल बिकम द कॉस्ट एंड 4500 डिवाइड बाई 250 इंटू 150 विल कम प्रॉफिट। तो यानी कि 1800 प्लस 2700। अब 1800 जो कॉस्ट है उसका भी ब्रेकअप गिवन है कि 80% वेरिएबल है, 20% फिक्स्ड है, आप वो भी निकाल लीजिए। और यहाँ पे साथ के साथ गिवन था कि वीसी को आप 200 रुपीज से कम कर सकते हैं। नाउ गाइस, फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का जो पूछा गया था, जहाँ पे नो स्पेयर कैपेसिटी थी, वहाँ पे हम क्या करेंगे कि वीसी हम चार्ज करेंगे 1440 माइनस 200 और कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस चार्ज करेंगे 4500 माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट आप ओरिजिनली लोगे, उसमें 200 लेस नहीं करोगे जब कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस देखोगे, तो ये आ जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस। तो ये टोटल टीपी हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे तो कोई स्पेयर था ही नहीं, तो हम टोटल चार्ज कर लेंगे 4300। नाउ अगर हम सेकेंड ऑप्शन की बात करें, सेकेंड में क्या था कि एक टीम तो फ्री थी एक टीम बिजी थी, तो हमने क्या किया, वीसी तो दोनों ही टीम का चार्ज करना था, तो दो टीम का वीसी चार्ज कर ले रहे हैं 1240, क्योंकि यहाँ पे भी हम 200 तो लेस कर ही पाएंगे ना, इंटू टू टीम और वीसी और कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस वन टीम से चार्ज कर ले रहे हैं। लेकिन ये पूरा का पूरा डिवाइड बाई टू करना पड़ेगा क्योंकि हमें दो टीम से ये पूरी कॉस्ट रिकवर करनी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2770। थर्ड में क्या है, न्यू क्लाइंट है जिसने ऑफर की इतनी फीस, तो जो हमने ऊपर कंप्यूट किया था टीम डेज दैट इज 480, उससे डिवाइड कर देंगे फीस को, तो हमें पता चल जाएगा कि फीस पर डे पर टीम कितनी हमें आ रही है, तो दैट इज 3300। और उसमें से भी हम क्योंकि 200 माइनस कर देंगे बिकॉज अगेन हम इसी तो 200 से कम कर ही सकते हैं ना, तो 3100 हमारी टीपी आ जाएगी।